गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्लास। होप वेल, आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और ये वीडियो वही क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। और देर ना करते हुए, कल हम लोगों ने बातें बहुत कर ली, देर ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा मैं भी बिज़ी हूँ आज और थोड़ा टाइम भी कम है। ओके, सो प्लीज़ सपोर्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द सूफी मूवमेंट एंड इट्स रोल इन प्रमोटिंग कम्युनल हारमोनी। और राइट अ शॉर्ट एसे ऑन सूफी मूवमेंट्स और राइट अ शॉर्ट एसे ऑन सूफिज्म इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, ये मतलब कि द सूफी मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये कैसे तीन तरह से पूछ सकता है और सिर्फ शॉर्ट एसे के रूप में आएगा। ठीक है, अब सूफी मूवमेंट्स के बारे में आज सब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, और आप अच्छे से समझ के आप अपना आंसर खुद ले सकते हो और खुद लिख के कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। मैं उसको इवेल्युएट कर दूंगा। ओके, और नहीं तो आपके साथ ही लोग भी उसे इवेल्युएट कर देंगे। ओके, आपका क्वेश्चन यही है। राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द सूफी मूवमेंट ऑन इट्स रोल इन प्रमोटिंग कम्युनल हारमोनी। राइट अ शॉर्ट एसे ऑन सूफी मूवमेंट्स। राइट अ शॉर्ट एसे ऑन सूफिज्म इन नॉर्थ इंडिया। ओके, आंसर द मिडवल पीरियड। द मिडवल पीरियड विटनेस्ड द राइज एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स रिलीजियस मूवमेंट्स मिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस कर्ट्स एंड एटीट्यूड्स द इस्लामिक मिस्टिसिज्म वॉज नोन एज सूफिज्म। सूफिज्म क्या है? वॉज अ सूफिज्म। अब सूफिज्म आप समझ जाओगे सूफिज्म क्या है। द मिडवल पीरियड विटनेस द राइज एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम रिलीजियस मूवमेंट्स मिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस कर्ट्स एंड एटीट्यूड्स द इस्लामिक मिस्टिसिज्म आल्सो नोन एज सूफिज्म। इट इमर्ज एज अ सहिज्म अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और डॉगमेटिक क्रीड। अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूफी। द टर्म सूफी इज मोस्ट प्रोबेबली डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड सफी मीनिंग वूल। सफ मीनिंग वूल एंड द सफ मीनिंग वूल। ओके, द ईस्टर्न एशियाटिक्स यूज्ड टू वियर द कोर्स गारमेंट्स प्रिपेयर्ड आउट ऑफ वूल। द दिस प्रैक्टिस वॉज नोन फॉलोड बाई द सूफीज एज अ मार्क ऑफ पॉवर्टी। अदर रूट ऑफ द वर्ड सूफिज्म इज ट्रेस्ड टू साफा विच मीन्स प्योरिटी। विच मीन्स प्योरिटी। अदर रूट क्या है सूफिज्म का? इज ट्रेस्ड टू साफा। देखो इंपॉर्टेंट वर्ड वो है, एक कीवर्ड विच मीन्स प्योरिटी। प्योरिटी है। बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सूफिज्म की। कैसा ओरिजिन हुआ सूफिज्म? कब बना? सम ऑफ द अर्ली सूफी सच एज द वुमेन मिस्टिक ऑफ द बसरा नेम्ड रबिया और द मंसूर अल अलज लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन लव एज द बॉन्ड बिटवीन द गॉड एंड द इंडिविजुअल सोल। द अर्ली सूफीज ट्रेस देयर आइडियाज टू द सम वर्सेस ऑफ द कुरान एंड ट्रेडिशनल हदीस ऑफ द प्रोफेट बट इन कोर्स ऑफ टाइम दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाई अ नंबर ऑफ आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्स सच एज द क्रिश्चियनिटी ज़ोरोस्ट्रियनिज्म बुद्धिज्म इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ वेदांता एंड योगा। ठीक है, मिस्टिसिज्म वॉज लुक्ड अपॉन विद डिसफेवर बाई द मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट। As a result, the Sufis were persecuted and some of them were even executed or changed of heresy and the blasphemy. Change of heresy or blasphemy. ठीक है, अब जब सूफीज ने क्या दिया? सूफीज gave mystic interpretations of these scriptures. However, the orthodox Muslim believed in the literal इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे वो किस पे बिलीव करते थे ज़्यादातर? इन लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्ट। मतलब जो स्क्रिप्ट में आई थी लिटरेरी सोर्सेस होते हैं और कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं, तो ये लिटरेरी सोर्सेस पे स्क्रिप्ट जो मिली थी उस पर ज़्यादा विश्वास करते थे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल कंडक्ट वाइल द सूफी सीक्स इनर प्योरिटी। The Orthodox believed in blind obedience to or observed of religious rituals while the Sufis considered love to be the one means of the reaching God. Four. The Sufi used singing and dancing. Sufi kya karte the? Pasand used karte the singing and dancing. Forbidden by the Orthodox as means of inducing a state of ecstasy.
ecstasy, which brought a Sufi nearer to his goal and of union with God. बात करते हैं एडवेंट ऑफ द सूफीज टू इंडिया. क्या एडवेंट क्या था भाई सूफीज का इंडिया के प्रति. द सूफीज माइग्रेटेड टू द फॉर ऑफ द कंट्रीज एंड लिव्ड इन द मिड्स ऑफ द नॉन मुस्लिम्स एंड द कैरिड आउट देयर वर्क ऑफ प्रोसिलाइटाइजेशन थ्रू पीसफुल मीन्स. द एडवेंट ऑफ द सूफीज इन इंडिया डेट्स बैक टू द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध. After the establishment of the Muslim rule in the northern India, Sufis from different Muslim countries began to migrate and settle down in the different parts of India. बात करते हैं the silsilas. Sufis came to be organized into the number of silsilas on order. Abul Fazl. देखो अब यहाँ से fact आपके चालू हो गए. अबुल फजल कौन सा, इसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. हु वॉज अबुल फजल, चलो उसके बता दें. अबुल फजल गिव्स अ लिस्ट ऑफ 14 ऑर्डर ऑफ द सूफीज. अबुल फजल ने लिस्ट दी थी किसकी, 14 ऑर्डर्स ऑफ द सूफीज विच केम टू इंडिया. हाउएवर ओनली टू ऑफ देम द चिश्तीज एंड द सोरावदी सिलसिला टुक डीप रूट्स इन द इंडियन सॉइल. The Chisti Silsila entered on Ajmer and they gradually spread the other parts of Rajasthan, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Bengal, Odisha and Deccan. Dras Subhadi Silsila was confirmed to Sindh, Multan and the Punjab. I'm going to discuss about the Chisti Silsila. ठीक है. Khwaja Abdul Chisti founded the Chisti order. ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने फाउंड करा था चिश्ती ऑर्डर को. ठीक है. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अ नेटिव ऑफ द पर्सिया इंट्रोड्यूस्ड इट इन इंडिया. ही रीच्ड इंडिया एंड सेटल्ड डाउन एट अजमेर इन 13th सेंचुरी. हिज सिंपल एंड द पीस एंड डेडिकेटेड लाइफ हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन दोज हु केम इन कॉन्टैक्ट विद हिम. टू इमिनेंट डिसिप्लिन ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती वर शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी डी 1235 एंड शेख हिमाद्दीन डी 1276. द फॉर्मर पॉपुलराइज्ड द चिश्ती ऑर्डर इन दिल्ली एंड द लेटर इन राजस्थान. दे लिव्ड सिंपल लाइफ. कैसी लाइफ पसंद करता था, सिंपल लाइफ. शेख हिमाद्दीन वॉज अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन एंड मिक्सड फ्रीली विद द हिंदूज. शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सेटल डाउन एट दिल्ली ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश and refused to accept the royal patronage. The famous Qutub Minar was named after him. Kaun? The famous Qutub Minar. Shaykh Qutubuddin Bakhtiar Kaki. ठीक है. Iltumis and refused to accept the royal patronage. The famous Qutub Minar was named after him. Shaykh Fariduddin Ganj Ay Shekhar. Shaykh Fariduddin. देखो नाम देखिए आप कितने बड़े बड़े हैं. शेख फरीदुद्दीन गंज ए साखार नोन एज द बाबा फरीद वॉज अ डिसिपल ऑफ द बख्तियार काकी. ही पॉपुलराइज द चिश्ती ऑर्डर इन हरियाणा एंड पंजाब. ही लेड अ हाउस होल्डर्स लाइफ. सम ऑफ हिज सेइंग आर इंक्लूडेड इन द अधिग्रंथ ऑफ द सिख्स. सम ऑफ हिज सेइंग्स आर इंक्लूडेड इन द अधिग्रंथ ऑफ द सिख्स. द मोस्ट प्रोमिनेंट of Baba's Farid's discipline was Sheikh Nizamuddin Aulia 1236 to 1325. Through he witnessed the reign of the seven sultans of Delhi. He never visited the courts of any of them. He gave an Islamic touch to the socio-culture atmosphere of the capital. He laid stress on the element of love as means of the realization of God. Nizamuddin Aulia practiced celibacy unlike a number of other Chisti sons. He adopted yogic breathing exercise so much so that the yogis called him a Siddha or perfect. His successor was a Sheikh Nasiruddin Chirag at Delhi. Another great Chisti sant was Sheikh Salim Chisti, who lived the life of ordinary householder in his cave dwelling at Sikri. He was Akbar's spiritual guide. Most of the Chisti sons belong to the liberal school of thought. Their popularity in India was due to their understanding of the Indian conditions and the religious attitudes and aspiration of the Indian people. They adopted many Hindi customs
एंड सेरेमनी दे लेड मच एम्फेसाइज ऑन द सर्विस टू मैनकाइंड द चिश्ती मिस्टिक्स वर बिलीवर्स इन द पैंथियास्टिक मोटिज्म which had its earliest exposition in the Upanishad of the Hindus as a result of the many Hindus felt closer to the Chisti silsila first. ठीक है, एक जो शेख सलीम चिश्ती हैं बहुत important हैं क्योंकि ये अकबर के बहुत बड़े spiritual guide थे, मतलब कि जो अकबर के जो पुत्र थे सलीम वो इन्हीं के कुटिया में हुए थे और तभी इनका नाम रखा गया था सलीम, अकबर के जो पुत्र थे. द सुहरावर्दी सिलसिला द अदर मिस्टिक ऑर्डर विच हैड रीच इंडिया ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम एट द चिश्ती सिलसिला वॉज द सुहरावर्दी ऑर्डर. इट वॉज फाउंडेड बाई द सियाबुद्दीन सुहरावर्दी डी 1234 ऑफ बगदाद. इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया हिज डिसिपल ऑफ द जलालुद्दीन तबरीजी एंड द बहाउद्दीन जखारिया. तबरीजी सेटल डाउन इन बंगाल वेयर ही कन्वर्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज. Zakaria was chiefly responsible for organization of the Sohrabardi Silsila in India. He carried on his missionary work at Multan. Unlike the Chistis, the Sohrabardis did not believe in leading a life of poverty and excessive austerity and the self-mortification. They lived comfortable family lives. They felt no scruples in accepting the cost presents and the patronage from the Muslim aristocracy. They did not shun the ruling elite. They actively associated with the government and accepted the post. The Sohrabardi Silsila was confined mostly to the upper strata of the Muslim society. Some of the sons of the Sohrabardi Silsila adopted a rigid and uncompromising attitude of many matters of religious and the social significance. Okay. Contemporary historian Jayuddin Barani records that the Sohrawardi sent Sayyid Nuruddin Mubarak Ghaznavi advised Iltutmish to follow a policy of discrimination and the persecution against the Hindus. However, some of the Sohrawardi sons were very liberal and broad-minded and were held in deep respect by the Hindus. The devotion of Hindus of the Bengal to Sheikh Jalaluddin Tabriji may be estimated from the Sekha Subodhya, a Sanskrit treatise, which includes all the legends about the Sant prevalent among the Hindus. Abhi hum logon ne the silsila pad liya, the Sohrawardi silsila pad liya, theek hai? Humne abhi tak samjha kya? ठीक है, हमने समझा कैसे क्या कहते हैं ओरिजिन ऑफ सूफिज्म हुआ, एडवेंट ऑफ सूफिज्म टू हिंदू इंडिया में कैसे एडवेंट हुआ इसका, ठीक है, और इंडिया में जो ये जो सिलसिला जो जन्म लिए हैं वो किसके द्वारा कैसे हुआ और उनका क्या काम था वो मैंने समझा. ठीक है, अदर सिलसिला से अभी हम बात करने जा रहे हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज अदर सिलसिला. मैनी अदर Sufi mystics orders also were introduced in India. However, unlike the Chisti and the Sohrawardi Silsila, these did not make much impact on the people of India. Some of them were limited to certain reasons. Only among these are following Silsila may be listed. The Khadri Silsila was founded by the Sheikh Abdul Khadir Gilani and was introduced in India by Sayyid Muhammad Gilani, 1517. Sheikh Barududdin of the Samarkand established the Firdausi Silsila at Delhi. Kaun sa? Firdausi. The Sattari Silsila was founded in India by the Sheikh Abdul Sattari, D. 1485. The Naqshbandi Silsila was founded in India by the follower of the Khwaja Pir Muhammad. Khwaja Baki Billah introduced it in India. In the 14th century, the influence of the Sufis declined. This was due to the doctrinal difference between the different Sufi orders and the assertion of the Islamic orthodoxy. Baat karte hain role of Sufi movements in promoting communal harmony. Role of Sufi movement in promoting communal harmony, like the Bhakti movement. Sufism also contributed to a great extent in the molding the character of the medieval Indian society. The Sufis stressed the essential unity between the different religions and the sort of attitude of toleration towards other religions and tried to bring about reconciliations between the Hindus and the Muslims.
The ideas of the Brotherhood of Islam and equality among its adherents appealed to the low caste among the Hindus. It led to the large scale conversation. The Sufis emphasized the unity of God and superiority of the path of devotion, other rituals, ceremonies, pilgrimage, and fast. The liberal and tolerant attitude adopted by the Akbar and his successor made the Sufi literature throughout popular among the Hindu intellectuals. The Sufi doctrine of your universal brotherhood, Sulk-e-Kul, was adopted by Akbar. अब क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स या मेंस में आएगा तो Sulk-e-Kul was adopted by प्रीलिम्स का अकबर, तो अकबर ने क्यों अडॉप्ट करा था ये हमने ऊपर देख लिया. इन इज अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश अ नेशनल स्टेट इन इंडिया. ठीक है, अब देखेंगे जो क्या कहते हैं, द सूफी मूवमेंट्स प्रमोटेड अ फीलिंग ऑफ रिलीजियस टॉलरेशंस बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स एंड बिकम अ इंस्ट्रूमेंटल इन द मेंटेनिंग द सोशल इक्विलिब्रियम ऑफ द मिडिवल सोसाइटी. The healthy religious atmosphere created by the Sufi movements enabled Akbar to adopt a broader outlook in religious matters, culminating in the foundation of a syncretic religion, Din-e-Ilahi. Okay, ये था हम लोगों का question of write a short essay on the Sufi. क्या था question भाई? Write a short essay on the Sufi movement in India. Write a short essay on Sufi movements in North India. Write a short essay on Sufi movements. Write a short essay on the Sufi movements and its role in promoting the communal harmony. हम लोगों ने ये क्वेश्चन समझा. जिसको नहीं समझ में आया भाई प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में डाले, मैं उसको और अच्छे से फिर देखूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा. अगर आप लोग चाहते हैं ये क्वेश्चन मैं हिंदी में भी लाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं क्वेश्चन ये हिंदी में भी लाऊंगा और हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा. ओके, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट टू क्वेश्चन सीरीज. लोगों ने बोला है वीडियो छोटा रखो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूँ, अभी बहुत टाइम है अपने पास. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको सॉल्व करना है. इम्पैक्ट द क्वेश्चन है ये, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ द सूफी एंड द भक्ति मूवमेंट्स ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड लाइफ एंड थ्रू आउट द थॉट ऑफ द कॉमन पीपल. इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, इवेल्युएट करना है, क्वेश्चन लिखना है और कमेंट सेक्शन में डालना है. इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ द सूफी एंड द भक्ति मूवमेंट्स ऑन द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड लाइफ एंड थॉट ऑफ द कॉमन पीपल. आंसर, ठीक है, इसका आप आंसर दीजिए अच्छे से, आप अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए. ठीक है, बाय बाय, गुड डे, कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट पार्ट 3 के साथ. बाय बाय.